तो दोस्तों 10,000 जो है वो है एंट्री लेवल स्मार्टफोन का, और दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। आज हम ऐसे ही कुछ ज़बरदस्त स्मार्टफोन के बारे में देखने वाले हैं जो कि 10,000 के अंदर आने वाला है। इसमें आपको मिड रेंज गेमिंग से लेकर अच्छे कैमरा भी मिल जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट का जो पहला स्मार्टफोन है वो है सैमसंग का आने वाला सैमसंग गैलेक्सी F14 5G। अगर इस फ़ोन के स्पेक्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा 6.6 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले। इस 6.6 इंच का डिस्प्ले के साथ आपको 16 मिलियन कलर प्रोडक्शन मिल जाता है। अगर इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा Exynos का 1330 वाला प्रोसेसर जो कि बेस्ड है 5 नैनोमीटर पे। तो आप इसमें मल्टीटास्किंग से आराम से कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मिड रेंज तक गेमिंग कर सकते हैं। दोस्तों अब इस फ़ोन के कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें प्राइमरी कैमरा 15 मेगापिक्सल का है, साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो भी मिल जाता है। अगर इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो इस फ़ोन से आप 30 FPS में फुल HD प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते। दोस्तों अब इस फ़ोन के वेरिएंट के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4GB और 6GB का वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें 128GB का स्टोरेज भी मिल जाता है। और आपके सारे टास्क और गेमिंग को हैंडल करने के लिए आपको मिल जाता है 6000mAh का बड़ा सा बैटरी। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपको मिल जाएगा One UI जो कि स्मूथनेस एंड सैमसंग का भरोसे का साथ आता है। तो अगर आपका प्रायोरिटी है बैलेंस्ड एक फ़ोन तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। हमारे लिस्ट का जो दूसरा स्मार्टफोन है वो है मोटो की तरफ से आने वाला मोटो G34 5G। अगर इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें, इसमें आपको मिल जाता है 6.5 इंच का HD प्लस IPC LCD डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज पर बेस्ड है। अगर इस फ़ोन का प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 695 वाला प्रोसेसर जो कि 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है। तो इस फ़ोन से आप गेमिंग और मल्टीटास्किंग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोस्तों इस फ़ोन के कैमरा के बारे में बात करें, इसमें आपको मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, साथ ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो भी मिल जाता है। अगर बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और दोस्तों दोनों ही कैमरे के साथ आप फुल HD प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर। और दोस्तों इस फ़ोन के वेरिएंट के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4GB और 8GB का रैम वाला वेरिएंट मिल जाएगा जो कि 128GB का स्टोरेज के साथ आता है। और आपकी सारी मल्टीटास्किंग और गेमिंग को हैंडल करने के लिए इसमें आपको दिया गया है 5000mAh का बैटरी। बाकी एक्स्ट्रा एडवांटेज के बारे में बात करें इस फ़ोन में जो आपको मिल जाता है, तो ये फ़ोन आता है वेगन लेदर के बैग के साथ, और इस फ़ोन में आपको मिल जाएगा स्टीरियो स्पीकर जो कि डॉल्बी एटमोस के साथ आता है। ये फ़ोन आपको एंड्रॉयड 14 बेस्ड मिल जाएगा। इस फ़ोन में आपको 13 5G बैंड मिल जाएगा जो कि कैरियर एग्रीगेशन के साथ आता है। तो अगर आपका मेन प्रायोरिटी है गेमिंग और HD प्लस डिस्प्ले कोई आपको दिक्कत नहीं देता है तो इस फ़ोन को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारा तीसरा स्मार्टफोन के तरफ, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में जो तीसरा स्मार्टफोन है वो है रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी का 13C 5G। दोस्तों अगर इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें, इसमें आपको मिल जाएगा 6.74 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। इस फ़ोन में आपको मिलेगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 वाला प्रोसेसर जो कि आपका मल्टीटास्किंग हैंडल कर लेगा। दोस्तों अब इस फ़ोन के कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी वाला। भाइयों इस फ़ोन में आपको 4 और 6GB का रैम वेरिएंट मिल जाएगा जो कि 128GB एंड 260GB रोम के साथ आता है। और इस फ़ोन के बैटरी के बारे में बात करें तो आपको मिल जाएगा 5000mAh का बड़ा सा बैटरी जो कि 10 वाट का चार्जिंग के साथ आता है। हमारे लिस्ट का जो चौथा स्मार्टफोन है वो है लावा की तरफ से आने वाला लावा का Blaze 2 5G। अगर इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले। अगर इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6020 का प्रोसेसर जो कि आपकी डेली लाइफ और मल्टीटास्किंग आराम से हैंडल कर लेगा। दोस्तों अब इस फ़ोन के कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें आपको 15 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अब दोस्तों इसमें आपको मिल जाएगा 4 और 6GB का रैम वेरिएंट जो कि 128GB का स्टोरेज के साथ आता है। दोस्तों इस फ़ोन में आपको 5000mAh का एक बैटरी मिल जाएगा। तो अगर आपको एक बैलेंस्ड फ़ोन चाहिए तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। अब दोस्तों लिस्ट का आखिरी मतलब पांचवा फ़ोन जो है वो है पोको के तरफ से आने वाला पोको M6 Pro 5G।
दोस्तों पोको M6 Pro 5G आपको मिल जाएगा 6.7 इंच के एक बड़ा सा फुल HD प्लस 90 हर्ज वाला डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें आपको मिल जाएगा 40 हर्ज का एक टच सैम्पलिंग रेट। तो दोस्तों गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग डिस्प्ले पूरा साथ देगा। अगर इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 4th Gen 2 वाला प्रोसेसर, जो कि आपको 4 नैनोमीटर बेस्ड पर मिल जाएगा। तो आपको गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग फ़ोन हीट नहीं करने वाला है। दोस्तों अब इस फ़ोन के कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है वो आता है 1.8 एपरेचर के साथ, तो आपको फ़ोटो का कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपकी सेल्फी के बारे में बात करें, इसमें आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के बात करें तो दोनों ही कैमरा से आप फुल HD प्लस पे 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों इस फ़ोन के वेरिएंट के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4, 6 और 8 GB का रैम और 128 GB एंड 256 GB का वेरिएंट मिल जाएगा। इस फ़ोन में आपको दोस्तों 5000 mAh का बड़ा सा एक बैटरी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका अगर प्रायोरिटी है एक अच्छा गेमिंग वाला स्मार्टफोन जो कि 10,000 के अंदर आता है, तो इस फ़ोन को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 5 स्मार्टफोन जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। सेल भी आने वाला है, तो अगर आपको 10,000 के अंदर कोई भी स्मार्टफोन खरीदना है तो इसमें से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।